जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे पार्लर जैसी आइसक्रीम घर पर। तो ये आइसक्रीम हमने घर पर ही बनाई है, और ये वाली देखिए कितनी सुंदर जमी है। इसकी रेसिपी के जानने के लिए चलो चलते हैं मेरे वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मधु, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुक विद मधु में। तो इसके लिए मैंने बड़े दो सफ़ेदा आम लिए हैं। ये सफ़ेदा आम हैं दोनों, और कितने बड़े हैं आप देख लीजिए। ये मैंने धो लिए हैं यहाँ पर, और मैं इनको अब यहाँ पर पीलर से इनको छील लूँगी। आप पीलर हो तो आप पीलर से कर लीजिए, नहीं तो चाकू से कर लीजिए। तो ये हमने छील लिए हैं यहाँ पर, और ऐसे मैंने इनको कट लगा के इनको यहाँ पर काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैं इनका पल्प निकाल रही हूँ। तो देखिए इनका कितना सारा पल्प निकल आया है। अब इस पल्प को मैं एक जार में, मिक्सर के जार में इनको कर लेती हूँ। और ये मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर मलाई ली है, और मैं इसको यहाँ पर अच्छे से फेंट लेती हूँ। इसको बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं पतला, और इसको हम इसमें डाल लेते हैं पल्प में। और ये मैंने 1 कटोरी काजू लिए हैं, और इसको ग्राइंड करके मैंने इनका ऐसे पाउडर बना लिया है, और वो भी मैं इसी में डाल लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फाइन। और ये 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है, तो ये वो भी डाल लेती हूँ। 4 चम्मच मैंने चीनी के लिए, इसको थोड़ा मीठा करने के लिए 4 चम्मच चाहिए, तो ये मैंने 4 चम्मच ले लिए हैं यहाँ पर। और ये फिर हम इसको सबको मिक्स कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। सबको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है। इसको ऐसे पेस्ट बनाना है। ये देखिए बिल्कुल क्रीम जैसे हमारा ये पेस्ट बन गया है यहाँ पर आइसक्रीम के लिए। तो अब हम इसको एक अपने प्लास्टिक का कोई है आपके पास बर्तन तो उसमें ले लीजिए, या जो भी आपके पास बर्तन है जमाने के लिए उसमें आप डाल दीजिए। ये कप ले सकते हो, या छोटा कोई भी मोल्ड हो आपके लिए जिसमें आप आइसक्रीम जमा सकते हो वो आप ले लीजिए। मैंने इसमें भी जमाने की कोशिश की है, आप देखना इसमें भी जम गई है, और इसमें भी मैंने सेट करके रख दिया। मैंने दोनों में ही सेट करके इनको रख दूँगी, और जब सेट हो जाए तो आप इनको देखना कि कितने अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। ये मैं यहाँ पे इस पे फॉइल पेपर लगा दूँगी, और फॉइल पेपर लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसमें स्टिक भी लगा देती हूँ कि जब हमारी आइसक्रीम बनके तैयार होगी तो हम निकालेंगे कैसे, लेकिन जब हम उसको स्टिक की सहायता से उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लगाने के बाद मैंने ये स्टिक लगा दी है, आइसक्रीम स्टिक इसके ऊपर। और अब हम इन दोनों को फ्रीजर में सेट करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं, या ओवरनाइट रख दीजिए। ये देखो मेरी बिल्कुल आइसक्रीम चमके तैयार हो गई है दोनों में। ये देखिए कितनी सुंदर आइसक्रीम जमी है, ये इसमें भी जम गई है। ये इसको डेकोरेट कर लेते हैं टूटी फ्रूटी से। ये मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर लिया है, ये देखिए एक मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये ऐसे, और यहाँ पे भी आप इसको ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हो टूटी फ्रूटी से। फिर आप इसमें से काट काट के ले सकते हो, या चम्मच से, या जैसे भी स्कूप से जैसे लेना चाहो आप ले सकते हो। आपकी आइसक्रीम बनके तैयार है बिल्कुल पार्लर जैसी, और वही टेस्ट वही क्रीमी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।